सो हाय फ्रेंड्स, मैं बैठा हूँ बर्मिंगम स्टेशन पे और मेरी ट्रेन छूट गई है। तो मैंने ये सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कल क्या हुआ ना, मैं एक जगह पे गया था जॉब ढूंढने के लिए, तो मुझे जॉब तो नहीं मिली, बट वो मैनेजर से मेरी बात हुई तो उसने मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ इसको। मैंने जैसे उसको बोला इज़ देयर एनी वैकेंसी, आई केम ओवर हियर जस्ट एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूके, तो उसने मुझे क्या बोला पता है, बोला हियर देयर इज़ नो वैकेंसी बट आई सजेस्ट यू वन थिंग, नेवर यूज़ द वर्ड जस्ट। यू कम टू यूके आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर पेइंग लॉट ऑफ मनी, एंड यू हैव द करेज टू कम ओवर हियर, सो यू केम, ऑलवेज से दैट यू आर अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, बी प्राउड टू से दैट। तो ये जस्ट वर्ड जो होता है ना, ये बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। हम कभी कभी ऐसा यूज़ करते, बुरा माने तो माने, ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड, चलो गलती हो गई है तो मम्मी को मैं मना ही लूँगा, शी इज़ जस्ट माई मॉम, तो ऐसा नहीं होता। शी इज़ योर मॉम, यू शुड बी प्राउड, शी ही और शी इज़ योर फ्रेंड, यू हैव टू बी प्राउड। आपको हमेशा उस चीज़ का प्राउड होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, यू हैव टू से आई एम अ स्टूडेंट, यू शुड हैव प्राउड। आप कोई भी काम कर रहे हो उसको गर्व से बोलो कि यस आई एम डूइंग दैट, डोंट एवर यूज़ द वर्ड जस्ट। थैंक यू, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।